स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइपरबोला। देखिए, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस है माइनस और प्लस का। ओके, तो अगर यह प्लस होता तो ये इलिप्स की इक्वेशन होती, जो कि टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइपरबोला। हिंदी में इसको कहते हैं अति परवलय। ओके, तो क्या फिगर होती है इसकी, ये आप जानते होंगे। ठीक है, एक रफ फिगर हम समझा देते हैं। ये हाइपरबोला, सेंटर ओ, दो फोकस होते हैं इसकी एस और एस डैश, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं जेड जेड डैश जेड डबल डैश जेड ट्रिपल डैश। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस से जाने वाला परपेंडिकुलर एल वन एल टू, दो होते हैं लेकिन लेंथ दोनों की सेम होती है। ठीक है, एक होता है, दो एक्सेस होते हैं इसके, एक होता है एक कॉन्जुगेट एक्सेस होता है ना, और एक ये जिस पर ये बना हुआ है, जैसे हम कहें एक्सिस क्या है हाइपरबोला की, सॉरी हाँ हाइपरबोला की वो एक्सिस है एक्स एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस वो वाई एक्सिस होती है। तो देखिए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए पी कॉमा जीरो, इसेंट्रिसिटी ई अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर ई जो है ग्रेटर देन वन होती है ऑलवेज, हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता होती है वो ग्रेटर देन वन होती है, और नंबर थर्ड डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम टू बी स्क्वायर अपॉन ए, एक्सिस ऑफ हाइपरबोला क्या होती है एक्स एक्सिस। एक्स अगर इक्वेशन कहा जाए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, वो होती है एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस की इक्वेशन, यानी एक्स एक्स का समीकरण वाई इज इक्वल टू जीरो। और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस वी स्क्वायर अपॉन ई।
डिस्टेंस बिटवीन फोसी, दोनों नाभियों के बीच की दूरी, 2 AE, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। टू ए अपॉन ए, लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की दो एक्सिस होती हैं, एक कॉन्जुगेट ये 2A एंड 2B दोनों की लेंथ, तो लगभग फॉर्मूले इलिप्स की तरह है। ओके, केवल इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फाइंड फोसी इसेंट्रिसिटी डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन 4x² - 3y² इज इक्वल टू, लिख लेते हैं यहाँ, 5 कर लेते हैं। ओके, 4x² - 5y² इज इक्वल टू 20। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये, इस फॉर्म में हमें इसको रिड्यूस करना है, यानी चेंज करना है। तो यहाँ से 20 की जगह 1 चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ 1 है। इसको इस फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करें, डिवाइडिंग वाई 20 ऑन द बोथ साइड्स, 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 20 को कैंसिल करेंगे तो x² / 5 हो जाएगा, और यह y 5/2 होगा तो यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ओके, हेयर a² कितना है 5, v² कितना है 4। आप कंपेयर कर सकते हैं, a² की जगह 5 लिखा हुआ है, v² की जगह 4। a की वैल्यू फाइंड आउट करें √5, v की वैल्यू 2। सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला है 1 + b² / a² 1 + b² की जगह हम 4 लिख दें और यहाँ 5, क्योंकि वैल्यू हमने एलिप्स की, सॉरी हाइपरबोला की इक्वेशन से हमने फाइंड कर ली 5। ये हो गया √9/5, 3/√5, ग्रेटर देन 1 है। इसेंट्रिसिटी जो है हाइपरबोला की हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, यहाँ भी ग्रेटर है ये। आगे हम इन सब पूछा था, देखते हैं फोसी। ठीक, देखिए फोसी के कोऑर्डिनेट क्या है, +-AE, 0 +-A की वैल्यू है 5 √5 सॉरी, और E की वैल्यू है 3/√5, 0। कैलकुलेशन इसकी, +-3, 0।
देखिए दो फोकस होती हैं, एक प्लस का 3.0, दूसरा माइनस का 3.0। अगला पॉइंट है इसेंट्रिसिटी, हो गया फोर्सिव का डायरेक्ट्रिक्स। देखिए डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम नियता कहते हैं, और इसकी जो इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं अंडर रूट 5, और ई की वैल्यू 2 3 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक, तो हम लिख दें ए की वैल्यू 3 अंडर रूट 5 और इसकी ई की 3 अपॉन अंडर रूट 5। सिंप्लीफाई कर लें, अंडर रूट 5 यहाँ आ जाएगा, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होकर 5 हो जाएगा और अपॉन 3, यानी कि 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ये क्या हुआ, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन। अगला चाहिए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। फॉर्मूला होता है 2v² / 8। वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं 4, 2v² / 4, और a की वैल्यू √5। ये हो गया 8 अपॉन √5। इसको हम रेशलाइज कर लें, √5 से मल्टी डिवाइड, तो ये 5 हो गया, 8 √5। तो ये लैटस रेक्टम। ठीक है, तो हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, फाइंड फोर्स, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, लैटस रेक्टम। ओके।